हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के फेलियर को एंजॉय कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैसे आप अपने बच्चों के फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए कि फेल होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि आपने अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया और उस फेलियर से आपने कुछ सीखा नहीं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर बात करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं फेलियर एक्सेप्ट करना और उस फेलियर को छोड़कर आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना। देखिए, इसकी शुरुआत बहुत लेट जाकर नहीं होती है, बहुत अर्ली स्टेज में 3 to 5 years, 10 years तक बच्चों को आप ये बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपको ही फॉलो करते हैं, हम पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल होते हैं और हम ही ये चीज़ उनमें कूट कूट के भर देते हैं कि बेटा 10 में से अगर 8 मार्क्स आए तो 8 का कोई वैल्यू नहीं है, 8 नंबर की कोई आप कह सकते हैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वैल्यू है कि आपको हमने सब सिखाया था, आपको सब आता था, मैम ने रिवाइज भी कराया था, फिर भी आपके 10 में से 8 या 7 आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपको 2 नंबर का अभी भी नहीं आता है। हमारा खुद का फोकस जब हम कॉपीज देखते हैं, नोटबुक्स देखते हैं, तो इस बात पे होता है कि रेड गोले कहाँ लगे हुए हैं और हम पूरा फोकस, हमारी पूरी एनर्जी जो है वो इसमें लगा देते हैं कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई। हमारी पूरी जो एनर्जी होती है वो उन 2 नंबरों में हम खर्च कर देते हैं। 8 या 7 नंबर्स जो हमारे बच्चे ने गेन किए होते हैं, लाए होते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते कि बेटा वाह क्या हैंडराइटिंग है, आपने कितना अच्छा लिखा है, देखो मैम ने आपकी ये मिस्टेक की है पर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम आप इससे भी अच्छा करोगे, आई होप एंड आई बिलीव ऑन यू, ये सारी चीज़ें हम नहीं कहते हैं। आप ये सोचिए कि बच्चे के 2 नंबर कटे हैं, बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड आप देखिए, उसको पहले से पता है कि मैम से उसने डांट खाई है, घर जाकर उसको अपने पेरेंट्स से डांट खानी है और उसकी फॉल्ट क्या है, उसकी फॉल्ट ये है कि जब पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम में वो क्वेश्चन आया उस टाइम पे वो उसका आंसर या तो भूल गया था या ऐसा क्वेश्चन आया जो उसने पढ़ा ही नहीं था, और यही चीजें उसको हम आगे लाइफ लॉन्ग तक लेके जाने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं फोर्स करते रहते हैं कि नहीं 2 नंबर नहीं कटने चाहिए, कभी नहीं कटने चाहिए, फुल चाहिए, हाफ। इवन की पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जो हाफ मार्क्स कटने पे भी बच्चों को डांटते होंगे कि ये हाफ भी क्यों कटा। तो जब हम 10 में से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे के 2, 3, 5 या 6 नंबर कमाए, ठीक है, तो आप जब आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा जहाँ पे उसके अभी तक जितने भी नंबर उसने गेन किए हैं 12th तक या फिर अपने ग्रेजुएशन में, उन सारों को जोड़कर उसे अपना जो स्टेटस है, अपनी जो कैपेबिलिटी है वो शो करनी है, तो आप सोचिए उस बच्चे पे कितना बर्डन होगा। अगर उसने एंट्रेंस क्लियर नहीं किया, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी रैंक थोड़ी कम आई, अगर उसके पेरेंट्स खुश नहीं हुए, आप सोचिए कि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली उस बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। और फिर हम बोलते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई, हमसे गलती कहीं नहीं हुई, हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूलों में भेजा, कॉलेजेस में भेजा, फिर क्या गलती हुई कि बच्चे ने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने उसे सारी फैसिलिटीज़ दी, अच्छे स्कूल्स दिए, अच्छी टीचर्स दी, अच्छा एनवायरनमेंट दिया, लग्जरी दी, बट हमने उसे ये कभी नहीं सिखाया कि बेटा इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन, कोई बात नहीं, ये शब्द हमने उसमें इनबिल्ट नहीं किए उसके माइंड में, इट्स ओके, अगर 2 नंबर कटे तो इट्स ओके बेटा, अब देखो आपने कहाँ मिस्टेक की है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि ये मिस्टेक रिपीट ना हो। एक ये लाइन हमने उसे कभी नहीं बोली या फिर इतनी कम बार बोली कि उसके माइंड में वो बातें हैं ही नहीं, उसके माइंड में सिर्फ इतनी है कि मुझे 2 नंबर 3 नंबर या 1 भी नंबर कम नहीं लाना है, ठीक है। तो फिर हम बात क्या करते हैं कि बच्चों को फेलियर फेस करना सिखाएं। अरे भाई, बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हम ही उनके रोल मॉडल्स होते हैं, हमें ही वो फॉलो करते हैं एक एज तक, एक उम्र के बाद वो हमें जाकर थोड़ा छोड़ते हैं, हमसे थोड़ा अलग होते हैं, अपनी लाइफ को खुद अपने डिसीजंस पे जीना शुरू करते हैं। पर वही बात है कि अगर हमने प्लांट, एक सीडलिंग बोई है, उसको हमने कैसे नरिश किया है, कैसे उसको हम रोज उसकी केयर कर रहे हैं, आगे जाके वो पेड़ वैसा ही बनने वाला है, उस पर का कोई इफेक्ट नहीं है कि बाद में जाके उसमें अलग से कहीं से चेंजेस इनबिल्ट हो जाएंगे। तो
हम बात करते हैं फेलियर को एक्सेप्ट करने की, तो एक छोटी सी बात है कि जब भी आपका बच्चा कोई भी 1, 2 या 3 नंबर कम लाए, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे इग्नोर कर दें और बोले इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं, अगली बार आप 7 या 6 ले आना, उसके बाद 5 और 4 ले आना। नहीं, ये नहीं करना है। बट हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि बेटा कट गए कोई बात नहीं, अगली बार आप ट्राई करना और ये कोशिश करना कि ये सेम मिस्टेक्स तो एटलीस्ट नहीं हो। आप देखो बेटा आपके कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। आई एम श्योर कि बच्चा आपसे पहले, जब आप उसे मिस्टेक्स पूछेंगे उससे पहले उसे पता होंगी, उसने खुद अपनी मिस्टेक्स ढूंढ ली होंगी कि मुझे क्या लिखना था और मैंने क्या लिखा है। इट मीन्स वो समझने लगा है कि उसे नेक्स्ट टाइम ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये सीखना है, एक छोटी सी एज से हमें ये सीखना है कि हम बच्चों को ये बोलें इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। बच्चों की गलतियां निकालते हुए उनको मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है इन ए पॉजिटिव वे, ताकि उनका इम्प्रूवमेंट भी हो, वो लाइफ में ग्रो भी करें और फेलियर को एक्सेप्ट भी करें, उससे कुछ सीखें। तो आई होप फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा 2 नंबर 3 नंबर कम लाएगा या किसी चीज़ में पीछे रहेगा, चाहे वो कल्चरल फील्ड हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो, एकेडमिक फील्ड हो या फिर कोई और भी चीज़ हो, तो आप उसे एनकरेज करेंगे और एनर्जी और पॉजिटिविटी आप इस चीज़ पे लगाएंगे कि उसने क्या गेन किया है, ना कि इस चीज़ पे कि उसने क्या गेन नहीं किया है। उसे आप एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप इससे अच्छा और कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड आई नो यू विल डू इट। ये सारे शब्द आप बार बार अपने बच्चे को बोलिए, ताकि आगे जाकर लाइफ में बहुत हाई स्टेजेस पे जाकर वो फेलियर को एक्सेप्ट कर सके, उसे स्वीकारते हुए अपने आप को इवेलुएट करके आगे वो लाइफ में मूव ऑन करें। तो फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बच्चों के साथ किसी अलग बॉन्ड को बनाने की बात करते हुए। बाय।